महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है के उदय से हुआ। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कश्मीर शैव मत में इस त्यौहार को हर रात्रि और बोलचाल में हेरात या हेरथ भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं, तो आइए आज हम उसमें से एक कथा आपको सुनाते हैं। समुद्र मंथन अमर अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित थी, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी, और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाने लगे। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इसी घटना का उत्सव है जिससे शिव ने सारी दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, और इस तरह शिव जी अपने भक्तों की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये थी महाशिवरात्रि की एक कथा जो हमने आज आपको सुनाई। इस तरह की और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल प्रियंका सिंह ऑफिशियल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।